मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन। अरे टीका एका हम देखा, हम ना लगेंगे, हम तो ना लगवा पाए भैया। मेरे बात ये है कि जैसे वैक्सीन तो उसको चाहिए जो जिसमें कोई कमी है, हमारे अंदर कोई कमी आप निकाल के दिखाई या कोई मर्ज दिखाइए। सफाई नहीं लगवानी। नहीं, क्यों नहीं लगवानी? क्या नहीं, परेशानी है क्या? हमारे वहाँ जो लोग लगवाए उन लोगों को 15-15 दिन लाग ठीक हो, में यहाँ अलग से पैसा लगाए तब जाके परेशानी उनकी दूर। भाई कोई कारण हो, कोई काहे खाती लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे? बहुत लोग बोल रहे हैं, आप अकेली बात नहीं, तो जैसे कि क्या मनसा मतलब दिमाग में आ रहा है आपका? पता भैया कैसे टीका लग गया, दुनिया में नहीं कह रहा कि टीका वाले मरे जा रहे हैं, हमें तो कहाँ जाना है। अब घटना कहाँ टीका लगाया जाते तो ये सब कुछ हो जाती है, तो इसके मारे को जिम्मेदारी ले ही के जिसको लगता हो तो तुरंत मर जाता है। किसने बताया? बता देगा, खबर रोज आती है मोबाइल पे, रोज आता नेट पे। बहुत से तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन से ही इतने आदमी खत्म हो गए, एबीटी भी पता लगा है। वैक्सीनें भी कई अलग अलग तरीके का आती है, गाँव का माहौल है, यहाँ गाँव में तो जैसे कभी कोई वैक्सीन पहली बार में डोज में लग जाएगी, दूसरे में पता नहीं कौन सी लगेगी। कोरोना की वैक्सीन लगवाई आपने? नहीं लगवाई। क्यों? जब स्वास्थ्य सही है तो क्या करेंगे लगवा के? नहीं तो स्वस्थ लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। अरे काम आम में होता है हमारे गाँव में, पहले कोई केस ही ऐसा नहीं है जो हमें डर लगे। और पहली बात तो हम किसी उससे डरते ही नहीं, जो आएगा सामना करेंगे उसका। टीका लगा से आदमी मर जाती है, रहा है कि मरे कहे मारे। कोविड की वैक्सीन लगवाई जाती है आपने? हाँ लगवाई थी। कब लगवाई? बहुत दिन हो गए, जब हम नहीं लगवाई का कुछ हम नहीं जानते।